हमारे वृंदावन के प्रमुख संत महामंडलेश्वर स्वामी श्री डॉक्टर आदित्यानंद जी महाराज रजत शिला पर पुष्प अर्पित करते हुए हमारे प्रमुख संत श्री चैतन्य मुनि जी महाराज रजत शिला में पुष्प अर्पित करते हुए तपस्या जी आपने तो करी ली पूजा साहब आपने आप करे हमारे डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी जिनका ये स्थान है जहां पर रजत शिला का आज पूजन हो रहा है तो मैं डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी रजत शिला का पूजन करें थोड़े थोड़े और पीछे होकर ऐसे बैठ जाओ महाराज जी विराजो आप भी विराजो थोड़े और दूर रहकर विराजो ये उधर पटक बाजी है ना कहीं पीछे इधर देख दे इधर देख लो आप लगा दो और आप लोगों को एक जानकारी ये भी दे दूं कि जैसे ही दो तीन दिन के बाद में ये शिला यहां से अयोध्या के लिए रवाना होगी तो हम इसको मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से इसको रवाना करेंगे क्योंकि सांकेतिक रूप से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि की ओर जाना कि राम जन्मभूमि में आंदोलन का समय अब समाप्त हो चुका है अब तो जश्न का आनंद का समय अयोध्या में प्रारंभ हो गया दीपावली मनाने का समय आ चुका है मगर अभी हमारे लिए मथुरा और काशी बाकी है उसके लिए आगे जो भी योजनाएं बनेंगी तो उसका सांकेतिक रूप से हम मथुरा जन्मभूमि से राम कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे और मेरा श्री भाजपा की जिलाध्यक्ष श्रीमती मधु शर्मा जी से निवेदन है कि कृपया इस अवसर पर अपने दो शब्द बोलकर हम एक मिनट के बहुत ही हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है ब्रज 84 कोस के पवित्र स्थलों से जो रज ली है और उसके ऊपर रजत आवरण यहाँ से श्री कृष्ण जन्मभूमि से राम जन्मभूमि तक जा रहा है हम ब्रजवासियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और मैं कहती हूँ कि सारे ब्रजवासी जब राम मंदिर के निर्माण के समय वहाँ पर नहीं जा पाएंगे लेकिन जब यहाँ से एक रजत शिला जा रही है तो हम धन्य अपने आप को समझेंगे कि हमारी ब्रज की नगरी से और वहाँ तक हम राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं और माननीय सांसद जी भी हमारे साथ जुटी हुई हैं ऑनलाइन मैं उनका भी पूरा सपोर्ट हमें रहता है वो भी हमें हमेशा कहती रहती हैं कि कैसे मथुरा से ब्रज से कितना अच्छा काम हो रहा है और उसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है तो मैं माननीय हेमा जी का सांसद महोदया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारी माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ऑनलाइन इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस रजत शिला का पूजन करें वहीं से दूर से पूजन करें और हमें ब्रजवासियों को अपना संदेश दें राधे राधे हाँ You can hear me? Hello? Radhe, Radhe. Madhu ji, सुनाई दे रहा है? जी 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 आवाज हाँ दिख रही है आवाज भी आ रही है आप दिख भी रही हैं आपकी आवाज भी आ रही है ओके राधे 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 नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम हानु महासहायक चारुतापम नमामि रामम रघुवंश नाथम
रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद सन चारुणम श्री राम श्री राम। प्रणाम राधे राधे। आप सभी ब्रजवासियों को मैं परम आदरणीय आदित्य नंद महाराज जी और अन्य सभी संतों वृंदावन के और बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे नेता लोग हैं, मधु शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं हमारे वृंदावन मंडल के, उन सबको मेरा प्रणाम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे भी आपने इस वर्चुअल मीटिंग के द्वारा शामिल किया है इस बहुत ही महत्वपूर्ण इस काम के लिए जो अयोध्या में राम मंदिर जो बनने वाला है, जो बहुत ही सालों साल प्रतीक्षा के बाद ये संपूर्ण होने जा रहा है। ऐसे खुशी का एक मौका है, एक वातावरण है। इस कार्य में मुझे भी आपने एक योग्य समझकर आपने मुझे साथ जुड़ा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि कितनी कितनी खुशी की बात है हम ब्रजवासियों के लिए कि कृष्ण स्थल कृष्ण जन्मभूमि से हमारे राम जन्मभूमि अयोध्या तक हमारे शिला यहाँ से जाने वाला रजत शिला, जो जिस शिला को पूरे ब्रज के लोगों ने मिलकर अलग अलग कुंडों से अलग अलग जल लेकर आकर यमुना के जल को सबको इकट्ठा करके इस रजत शिला को बनाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और आज उसका पूजन कर रहे हैं आप सब। इसमें मैं पर्सनली नहीं आ सक रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से आप जानते हैं आई एम नॉट अलाउड जस्ट नाउ, बट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के यहाँ देखते हुए आप सबको मिलकर यहाँ पे सामने। और हमने ये भी सुना है कि पूरे भारतवर्ष से जितने भी पुण्य स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, कितनी नदियां हैं, उन सब नदियों का पानी वहां का रज को लेकर, मिट्टी को लेकर, वहां के अलग अलग बड़े बड़े मंदिरों के सामग्रियों को भी सबको लेकर आकर इकट्ठा कर ये अयोध्या में 5 तारीख को ये बहुत बड़ा एक महान पूजा एक होने वाला है, राम मंदिर बनने वाला है। ये हम सभी हिंदुओं के लिए इतनी खुशी की बात है कि ये राम मंदिर जो राम के खुद के जन्म स्थल पर हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, पुनः वापस बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बहुत बहुत ही कृपा है। कृष्ण की कृपा है, राम की कृपा है, हम सारे भगवानों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये जो कार्य कर रहे हैं हम, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और खास स्पेशली अवर प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसा एक बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं, हम सब आपके साथ हैं। मुझे इसमें वापस मिलाने के लिए ब्रज के सभी साधु संतों को मेरा नमन। संत लोग भी आशीर्वाद देंगे। मैं हमारे बीच में विराजमान डॉक्टर स्वामी आदित्यानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो भी हमें आशीर्वचन प्रदान करें। खड़े होके भी कर लो। देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये आज का श्रावण शुक्ल पक्ष अष्टमी, सप्तमी अष्टमी का संधि वेर और ये अच्युत संध्या बोला जाता है। 12 बजे के बाद जो पूजा होती है उसको अच्युत संध्या बोली जाती है। और हमारे धर्मावलंबी सनातन धर्म जिनकी रगों रगों में बसा हुआ है, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि संसद श्रीमती हेमा मालिनी के द्वारा रजत शिला का पूजा किया जाना और विशेषतया डॉक्टर
जो होता है सीजर ऑपरेशन कोई भी करता है, लेकिन असिस्ट करने वाले उसके अच्छे होना चाहिए। तो हमारे जो जनार्दन द्विवेदी जी है असिस्ट करने वाले, जैसे होता है वो कार्य करवाते हैं, तो ये भी उसके और हमारे धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष श्री सौरभ जी गौड़ प्रजापति जी, हमारे महामंत्री और जिला भारतीय जनता पार्टी मथुरा के श्रीमती मधु शर्मा, जो कि अपने क्रियात्मक से और प्रैक्टिकल से और आधार से जमीन से जुड़ी हुई कार्य करता है जो करा रही हैं। और मैं आप लोगों की शुभकामना से ही ये रजत शिला जो है, मैं तो ये चाहता हूँ कि 5 तारीख को हमारे सांसद भी वहाँ रहें तो बड़ा और अच्छे सोने में सुहागा रहेगा, लेकिन वो ये मेरी भाव है। अब भाव अलग है, कोरोना का आत्मक बात अलग होती है, तो वो तो जो ऐसी परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपने इस शिला को पूजित करके, कुछ होते हैं कि जिससे पार्टी की गरिमा बढ़ती है, किसी के करने से उस कुर्सी की गरिमा बढ़ती है, तो आपका भी धर्म के प्रति विशेष लगाव होने के कारण से यह शिला जरूर जो है ब्रिज का गौरव अयोध्या बढ़ाएगी। इसी वाणी के साथ में आपको बारंबार आशीर्वाद है, सद्बुद्धि सदगति सदमति, हैव यू गेट गुड नॉलेज गुड एवरीथिंग एंड गॉड कृष्णा ब्लेस यू। ओम नमो नारायण, राधे राधे। मैं इसी क्रम में हमारे MRC के डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी भाव व्यक्त करें, तो ये उन्हीं का स्थान और उनके ही द्वारा आज ये सारी व्यवस्थाओं को किया गया है और जितनी सुलभता से सुगमता से यहाँ आज शिला का पूजन हम लोग कर पा रहे हैं, उसका पूरा पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी के लिए है। तो कृपया 2 शब्द आप। नमो नारायण। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम 12 साल पहले यहाँ पर वृंदावन में आए और मुझे लगता है कि आज हमारी तपस्या पूर्ण हुई है, क्योंकि जिसके लिए हम 1000 साल से प्रयत्न कर रहे थे राम मंदिर बनने के लिए, उसकी एक शिला हमारे यहाँ से पूजित होके जा रही है, तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कोई बड़ा अवसर आएगा। और हम सब लोगों ने, खासकर सौरभ जी ने, हमारे मैन जी ने और जनार्दन जी ने जो इसके पीछे एक ऊर्जा लगाई है, वो ऊर्जा भी सदा सदा के लिए ब्रजवासी याद रखेंगे। और जो ऊर्जा हमारे माननीय सांसद हेमा मालिनी जी ने वहां से मुंबई से जो ऊर्जा हमें यहाँ प्रदान कर रही है, वो ऊर्जा भी इसके साथ में सदा के लिए राम मंदिर के शिलान्यास में जाएगी। और हम सब कृतार्थ रहेंगे कि ये जो काम आप सब लोगों के द्वारा हुआ, ये हम सब ब्रजवासियों को याद रहेगा। इसी के लिए सांसद हेमा मालिनी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मधु शर्मा जी जो जिला सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं और पूरे अपनी एनर्जी से हमेशा कार्य करती है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज हमारे यहाँ आई हैं। इसी के साथ राधे राधे। हमारे लिए ये भी एक बड़ा अद्भुत संयोग है कि हमारे मथुरा की सांसद महिला हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, और मथुरा भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष पहली बार इस कुर्सी पर कोई महिला विराजमान हुई है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, जिस ऊर्जा से जिस लगन से ये मधु शर्मा जी कार्य करती रही हैं, तो हम तो प्रभु से यही निवेदन करेंगे कि इनको और ऊर्जा प्रदान करें और ये मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को इतनी गहराई तक रोपित कर दें कि आने वाले समय में केवल भारतीय जनता पार्टी का परचम, राम भक्तों का परचम लहराए। और हमारी माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ऐसा सांसद बहुत भाग्यों से हम ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है कि जब भी उनका चिंतन होता है तो उनके चिंतन में हमेशा ब्रज, वृंदावन, ब्रजवासी और हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, यही उनका जीवन है, यही उनका चिंतन है। जब भी वो कोई कार्य करती हैं, उनके हर कार्य में, हर चिंतन में ब्रजवासियों का कहीं ना कहीं कुछ भला, ब्रज का विकास, यहाँ के लोगों की उन्नति, ये छुपी रहती है। और इतनी सहज और सरल पाकर हम मथुरावासी, हम ब्रजवासी धन्य हुए हैं।
उन्होंने हमारे एक बार के निवेदन पर और रजत शिला का जिस भक्ति भाव से पूजन किया है, निश्चित रूप से हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि स्वयं सांसद जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी जगह अगर वो नहीं भी थी तो यहाँ रह पा रही थी तो उनकी जगह हमारे जनार्दन जी, और हम उनके अपनी श्रीमती मधु शर्मा जी को भी उन्हीं का एक प्रतिनिधि भी मान सकते हैं, क्योंकि अब जो भी आगे हमें रास्ता ब्रजवासियों को दिखाने वाले हैं वो यही लोग हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने अभी तक कार्य किए हैं, भगवान ने चाहा और हमारे जीवन काल में ही कृष्ण जन्मभूमि पर भी एक बड़ा और भव्य मंदिर बनते हुए आप लोग देखेंगे। ज्यादा समय नहीं है, अब हम दिवाली मनाएंगे 5 तारीख को। आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीपक अपने घरों में जलाएं, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं, और हमारे मथुरा वृंदावन के सारे संत समाज का ये निर्णय तो पहले ही हो चुका था कि प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहां भी सनातन प्रेमी सनातन धर्म के व्यक्ति रहते हैं वो लोग 5 दीपक कम से कम अपने घर पे जलाएं, दिवाली मनाएं और पूरे उत्साह के साथ अपने को उस भूमि पूजन के कार्यक्रम से जोड़ें। हम लोग वहां भूमि पूजन के कार्यक्रम में शरीर से उपस्थित नहीं हो सकते, मगर ऑनलाइन जैसे आज हमारी सांसद जी हमारी रजत शिला का पूजन कर रही हैं, इस प्रकार ऑनलाइन हमको पूरा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इस शिला को भी आप ऑनलाइन दोबारा 5 तारीख को देख पाएंगे, और आप उस कार्यक्रम से जुड़ें और अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री श्रीदास प्रजापति जी से बस इतना सा निवेदन है कि हमारे पधारे हुए सभी लोगों को धन्यवाद दें, उनका आभार व्यक्त करें। और किसी से कुछ बोलवा कोई है महाराज दोस्त कुछ कोई बात नहीं, तो मैं कुछ बोलूँ, 2 मिनट बोल दूँ। तो इससे पहले हमारे धर्म रक्षा संघ के युवा कार्यकर्ता श्री हरवंश मिश्रा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म रक्षा संघ का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हम ब्रजवासियों के लिए और ब्रज से जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग जो वृंदावन ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में रहते हैं उन सब के लिए बहुत गौरव का विषय है कि यहाँ के ब्रज की ये शिलाएं वहाँ राम मंदिर में जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया का, श्रीमती हेमा मालिनी जी का, जिनका ब्रज के लिए एक अलग ही स्नेह रहता है। विश्व भर में अलग अलग जितने सांसद हैं उनका अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रोफेशनली संबंध रहता है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय सांसद महोदया जी का ब्रज के क्षेत्र के लिए, स्पेशली जो ब्रजवासी हैं उनके लिए एक भावनात्मक संबंध है। इसके लिए थैंक यू सो मच माननीय सांसद महोदय जी का, और जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमती मधु शर्मा जी का भी आभार, और सब लोग, और यहाँ MRC में डॉक्टर अभिषेक जी के जिनके स्थान पे जिस वेन्यू पे इस ऑर्गेनाइज किया गया सारे प्रोग्राम को, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम यहाँ विश्राम की ओर है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। जो लोग फेसबुक लाइव भी देख रहे हैं उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आपको ये वीडियो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और आप सबको पुनः धर्म रक्षा संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई। और राम जन्म का जो निर्माण 5 तारीख को शुरू हो रहा है उस दिन कृपया आप जरूर अपने घरों में दिए जलाएं, घी के दीपक जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जन्म भूमि की जय, श्री कृष्ण जन्म भूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, जय श्री राधेश, जय हो। आप सब लोगों ने आज समय दिया।